फ्रेंड्स, मैं सी एम केश गेरा अज तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रहा कि आई टी आर फॉर्म फोर आपां किस तरह फाइल करना, जिहड़ा कि छोटे रिटेल ट्रेडर है जां जिहनां दे कोचिंग सेंटर्स हैगे आ जां जिहनां दी जिहड़ी ऑडिट नहीं हुंदी उहनां ने अपनी रिटर्न किस तरह फाइल करनी है। आपां सभ नूं पहलां उहदा पैन कार्ड रजिस्टर किस तरह करना, मैं लास्ट टाइम तुहानूं जिहड़ी वीडियो सी उहदे दस दित्ता सी। अज आपां लॉगिन करांगे। लॉगिन करके पहलां उहदा यूजर आई डी तुहाडा पैन नंबर होएगा, फिर जो पासवर्ड तुसीं रख्या होया है पासवर्ड उसमें फीड करना। आप पासवर्ड फीड करके कैप्चा कोड, लॉगिन करके यस, इस तो बाद असी जाना फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न विच। मैं असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें रिटर्न पर नी भी आई टी आर फोन नंबर। मैं ट्रेडिंग का काम कर रहा हूँ इसलिए मैं आई टी आर फोर फाइल करनी है। फाइलिंग टाइप मेरी ओरिजिनल है। देन सबमिशन मोड में किस तरह करना, मैं प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। उस तो बाद जो मेरी डिटेल हैगी है पैन नेम जनरेट डेट ऑफ बर्थ, उन्हें पैन कार्ड तो अपने ऑटोमेटिकली चेक लेनी है, पर मैं इतने जोड़ा हैगा या जो मैं लास्ट टाइम अपना क्लिक किया उन्होंने क्लिक कर लेना है, क्लिक करके बाद कंटिन्यू कर लेना। यस, इतने मेरी जनरल इन्फॉर्मेशन आ गई, मैं जनरल इन्फॉर्मेशन अपनी चेक कर लेनी है। ऑटोमैटिकली जो पैन कार्ड के ऊपर मेरी डिस्प्ले हैगी है वो इतना क्लीयर हो जाएगी, तुम्हें कन्फर्म कर लेना है। उस तो बाद हम ये देखना है कि असं कर की रहे हैं। यस, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कम की कर रहे हैं, इट्स नॉट एप्लीकेबल। नो रिप्रेजेंटेड मिस एस सी नहीं में है, इतने नो कर देना है तुम्हें। यस, उस तो बाद बिजनेस बीपी बिजनेस एंड प्रोफेशनल में चले जाना, नेचर ऑफ बिजनेस। जे मेरा कोई नेम हैगा है तो मैं नेम पर देना है, जैसे मैं प्रोपराइटर हैगा है इन क्लिक करना। बिजनेस कोड मैं इतने जो भी मैं काम कर रहे थे बिजनेस कोड दिते हुए हैं उतना मैं कर लेना ट्रेडिंग। सारी डिटेल दी गई है, तुम कि काम करते, म्यूचुअल फंड्स हो गया, पैसेंजर, लैंड ट्रांसफर, होटल, होलसेल, रिटेल, हर एक चीज़ इतने दी हुई है। तुम जो भी काम करते, कंस्ट्रक्शन है, कॉन्ट्रैक्टर है, मैनुफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन से है, तुम अपना सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने तो बाद जो भी तुम काम करते हैं, जिस तरह जो मेरा काम है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का है, मैं उन्होंने भी लै सकता या मैं इतने कर सकता है। रिटेल सेल है मेरा, मैं रिटेल सेल में मैं फूड बेवरेजेस डील करता, मैं उन्होंने कर दिता। उस तो बाद जो मैं इतने लिखना मेरी ग्रॉस टर्नओवर की है, साल के मैं कितनी पेमेंट की थी है, ये मेरे को दो मोड्स है। एक हैगा है जो मैं 6% अपना जीपी शो करना है, दैन बैंक ड्राफ्ट वहीं पेमेंट ले कि नहीं, मैं एक्चुअली अदर मोड है, मेरा कैश है सारा, इसलिए मैं इतने पा दी अपनी ग्रॉस रिसीव। उस तो बाद मेरा प्रॉफिट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, कैलकुलेट करके दस देगा 8% तो। मैं अपना बिजनेस जो मैं प्रॉफिट खाना मैं उन्होंने शो कर दिता है। उस तो बाद अगर मेरे को GST नंबर है मैं इतने पाने, जो GST नंबर नहीं है दैन मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको चल जाना। इस तो जो मेरी कैपिटल हैगी है मैं कैपिटल से डील करनी है। अगर कोई मैं लोन लिया है, लोन दी देनी है, उसके लोन है मैं उसे करना, एडवांस लिया है मैं वो देखना, सर्टी क्रैट में कोई पेमेंट देना लिया मैं फील करनी है, अगर नहीं है तो मैं इतने सारा जीरो सबमिट करूँगा। यस, अगर मेरा कोई बैंक बैलेंस है, करंट अकाउंट है, मैं इसे फीड करूंगा, नहीं तो अदरवाइज मेरा कैश आ जाएगा। इस तो बाद मैंने यस देन इनकम डिटेल को मैं कहनी कि इनकम ऑटोमेटिकली उन्हें इतों पिकअप कर ली है। इनकम पिकअप करने तो बाद नीचे थोड़ा टैक्स डिटेल दिखाएगा, टैक्स क्योंकि मैंने जो रिटर्न है मैं नील नहीं पा रहा, मैं डिडक्शन कोई लेनी नहीं हैगी, इसलिए मेरा नियर अबाउट क्लियर हो जाएगा। टैक्स में कोई पे नहीं किया, अगर मैं टैक्स पे करता इतने मैं जरूर दसता। हाँ, बैंक के अकाउंट में इतने पानी है डिटेल। बलबीर सिंह, कृष्ण सिंह, जो भी है नेम है मेरा, सर से मेरा फादर नेम की है।
बात को तीन ऑप्शन आ गए, मैं रिटर्न किस तरह वेरीफाई करनी है, तो हमको तीन ऑप्शन जो तुम ठीक लग रही वो कर सकते हैं। ई वेरीफाई कर सकते हैं अगर थोड़ा आधार कार्ड ना फोन नंबर लिंक है या तो बैंक वेरीडेट किया हुआ है, अदरवाइज असं प्रिव्यू करके सबमिट कर दें। जिन्होंने चेक कर सकते हैं, इनको चेंज करना है तो अपने कर सकते हैं। सबमिट है साड़ी रिटर्न होगी तो सबमिट इतने एक बार में चेक कर सकते हैं। यस व्यू ई फाइल थे इनकम टैक्स रिटर्न, ये थोड़ी रिटर्न आ गई, एक्नॉलेजमेंट आ गई, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, ऑटोमेटिक थोड़ी ओपन हो जाएगी, इधर प्रिंट ले लो। थैंक्स। और अगर तुम कोई होर मेरा चाहते हैं तो मेरा जो चैनल है उन्हें जाकर सब्सक्राइब करो, ठीक है, और 120 दिन के अंदर सबमिट करनी है।